अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग के अंदर मैं जा रहा हूँ, यूथ क्लब का एक मेगा इवेंट है, उसके ऊपर उन्होंने मुझे इनवाइट किया नशीद पढ़ने के लिए। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी साथ लेके जाता हूँ और सारा एक्सपीरियंस दिखाता हूँ। अभी तकरीबन ये तो घड़ी में खैर टाइम ही ख़राब है, लेकिन तकरीबन 10:30 हो रहे हैं और इंशाल्लाह 10:45 या 11 तक मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। और आए आपको जाके इवेंट भी सारा दिखाते हैं और मैं अपनी जब नशीद पढ़ूँगा वो भी आपको सुनाता हूँ। आज मौजूद है फूल खिलते हैं। थोड़ा सा मुझे जल्दी जल्दी के अंदर जो है ना, मैंने नाश्ता भी नहीं किया सही तरह, बल्कि मुझसे खाया नहीं गया। मैं बैठा था नाश्ता करने लेकिन मुझसे खाया नहीं गया, चाय भी नहीं मैंने पी। मैंने कहा यार एक दफ़ा वहाँ पे जल्दी से पहुँच जाऊँ और वहाँ बैठ के अगर कोई इंतजाम हुआ तो खा लूँगा। तो जब भी इस तरह के इवेंट्स वगैरह होते हैं तो प्रायोरिटी जो होती है वो ये होती है कि यार एक दफ़ा वहाँ पर बंदा टाइम पर जाके बैठ जाए और लेट ना हो जाए ज़्यादा, ये ना हो कि वहाँ पर वो इंतज़ार करें और सब, तो वो भी अच्छा नहीं लगता बिल्कुल। तो वहाँ जाके देखते हैं और लंच भी हो सकता है आज उनके साथ ही करें। मुझे उनके टीम मेंबर ने कहा था कि लंच साथ करेंगे और वहाँ पे यूथ मेंबर के जो बाकी के मेंबर्स हैं उनसे भी मुलाकात इंशाल्लाह करेंगे और काफ़ी मज़े का व्लॉग होने वाला है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा एंड तक। अच्छा, जब भी मैं इवेंट्स पे जाता हूँ ना, तो जहाँ पे मैंने परफॉर्म करना होता है रास्ते में जो है ना थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेता हूँ और मैं देख लेता हूँ यार की आवाज़ बिल्कुल ही बैठ तो नहीं रही, तो और जो हाई नोट्स होते हैं वो रास्ते में लगा लेता हूँ अंदाज़ा करने के लिए कि मैंने किस नोट्स पे पढ़ना है। तो मैंने कहा आप लोगों को चले अपने प्रैक्टिस सेशन भी दिखाते हैं साथ। फिर तेरा इशारा हो और आसान हो मुश्किल, थोड़ा सा जो है अभी भी फर्क आ रहा है लेकिन चलो कोई नहीं, पहुँचते पहुँचते जो है ना मैं इसको सेट कर दूँगा। न जाए कहीं यूं तो जन्नत में सब है मदी। अच्छा, आप लोगों को मैं एक और रिमाइंडर भी देना चाहता हूँ और वो है मिफ्ता का फ्री वीकली न्यूज़लेटर, उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें। बड़ी मज़े की जो है ना उस पर वीडियोस आती हैं और डिफरेंट मटेरियल वो आपके इनबॉक्स में आ जाती हैं ईमेल पे, तो आपने सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस लिखना जाकर उसको सब्सक्राइब कर लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट है और बड़े अच्छे रिमाइंडर उस पर मिलते हैं। ये अभी अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पर और ये यहाँ पर जो इवेंट हो रहा है, ये गाड़ी में जो है ना वैले करने लगा हूँ यहाँ पर। तस्वीर सीने में मौजूद है, बस अभी उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आएंगे मुझे रिसीव करने। सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने ने देखा नहीं, ऐसा मंजर साथ क्या हुआ है, कैसे उनकी दुनियाएं खत्म हो गई हैं, क्या परमानेंट चीज है इस दुनिया के अंदर मुझे बताएं। आपके बच्चे तो आपके साथ परमानेंट नहीं रहेंगे, वो अल्लाह सुब्हानहु तआला के साथ जुड़े, अपने साथ वादा कर लें कि ये चीज आपको चेंज करेगी। इस्लाम को इन टर्म्स ऑफ अल्टरनेटिव म्यूजिक हमारे साथ मौजूद हैं आकिब फरीद भाई जो कि नशीद आर्टिस्ट हैं और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपके सामने कुछ जो नबी के पसीने में मौजूद है, उसे देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। This is the time when the Ummah of Muhammad
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीड्स यू द मोस्ट. और ज्यादा शर इसलिए नहीं फैलता ज्यादा कि यहूदियों के पास बैंकिंग सिस्टम, उनके इकोनॉमी सारी, उनकी रॉथस्चाइल्ड फैमिली जीव है और ज़ायनिस्ट है बेसिकली, और सारा उनके पास दुनिया की पोजीशंस हैं, डॉलर वो छापते हैं. ज्यादा शर इसलिए फैलता है कि व्हेन गुड मैन एंड वुमन डू नथिंग. इट फील्स आई फील सो हैप्पी टू बी हियर. थैंक यू यूथ क्लब, थैंक यू ज़िया भाई, कहाँ भाई, सारे अब मेरे आइडल्स जो है ना चेंज होते गए हैं ओवर द पास्ट वन ईयर. द पीपल आई यूज टू लुक अप टू, यार इस तरह स्टेज पे जाके परफॉर्म करना है, होता है कि इस तरह स्टेज पे जाके निकारी वो जिसे फिर सो हवस ने मार डाला है, तेरे दरबार में लाया हूँ अपनी अब जबूं हाली, तेरी चौखट के लायक हर अमल से हाथ है खाली. अभी राजा ज़ियाउल हक जो सीईओ हैं यूथ क्लब के, उनकी भी टॉक शुरू होने वाली है. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिही व सहाबी अजमाईन, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अल्हम्दुलिल्लाह जी, इट्स अ प्लेजर एंड ऑनर टू बी हियर टुडे. और आज आप लोगों को यहाँ पे देख के इतनी वाफर मकदार में बहुत खुशी भी हो रही है. सबको एक नई राह पर गामजन किया, कुरान की राह, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह, वर्कशॉप्स, लेक्चर्स, क्लासेस, गेम्स और सैकड़ों ऐसी सरगर्मियाँ जिसमें आज का नौजवान हिस्सा ले सके, अपने सवालों के जवाब तलाश कर सके. अच्छा अभी मुझे मुझे एक और जगह पे जाना था, तो मैं अभी यहाँ से निकल रहा हूँ, इवेंट तो अभी चल रहा है, लेकिन ये है कि एक और जगह कमिटमेंट है, तभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ. अच्छा जी, अभी मैं इवेंट से निकला हूँ बाहर. असल में इवेंट था 4 बजे तक और मैंने 1 बजे एक और जगह पे जाना था, एक और जगह कमिटमेंट थी, तो मैंने अपनी एक ही परफॉर्मेंस की है, वैसे 2 करनी थी, तो थोड़ा लेट हो गया, वरना मेरा दिल था कि मैं तोहा भाई से भी मिलवाता आप लोगों को और अली भाई से भी मिलवाता और बाकी जितने भी वहाँ पर गेस्ट आए हुए थे सबसे कोई हेलो हाई करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है आज वो नहीं हो सकी. और बड़ा अच्छा लगा आज का इवेंट, और यूथ क्लब एक बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है और ये जब भी मुझे बुलाते हैं तो मैं बड़ी खुशी से जाता हूँ उनके पास. और आज नशीद पड़ी और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ईमान रिफ़्रेश हुआ मेरा. तो आप लोग भी यूथ क्लब के इवेंट्स जो हुआ करें उनमें ज़रूर जो है ना शिरकत किया करें. और ये मैं आपको ख़ुद से जो है ना सजेस्ट कर रहा हूँ, हालांकि उन्होंने मुझे नहीं बोला कि उनकी प्रमोशन करने को, लेकिन दिल से जो है ना उनके लिए दुआ भी निकलती है और मेरा दिल करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है ना उनसे फ़ायदा उठाएँ. सारी दुनिया में ऐसा नजारा नहीं ऐसा.